जी, मैं निर्मल शर्मा। आज हमें 60 डेज हो गए हैं, 60 दिन हो गए हैं लगातार धरने प्रोटेस्ट करते हुए। गवर्नमेंट जो है अभी हमारी मांगे मानने के बावजूद हमें हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। वो किस तरीके से दबाया जा रहा है, एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है पुंछ की हम बताते हैं। हमारी वर्कर जो है पुंछ की, उसको इतना हरास किया गया, ऑफिस में मारा गया। सीडीपीओ ने अपने ऑफिस में बुला के कमरे में बंद करके उनके साथ जो कुलदीप कौर एक जो सुपरवाइजर थी, दो उनके साथ क्लर्क थे, एक जो सीडीपीओ उनका नाम था जहां आ रहा, उन्होंने कमरे में बंद करके उनको बालों से पकड़ के दीवार के साथ पटक पटक के जोर से मारा और उनकी हालत इतनी खराब हो गई, वो बेहोश हो गई, नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया और उन्होंने बाकी वर्कर्स को बोला कि इसको उठाओ यहाँ से ले जाओ, ये बेहोश हो गई है। लेकिन वो बेहोश नहीं हुई, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, उसके पीछे का जो मनका है वो टूट गया। दो दिन में वो हॉस्पिटल में जो है जम्मू हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में बेहोश रही। कल उसको थोड़ी सी होश आई है, उसने सारा स्टेटमेंट दिया जो मीडिया को भी बताया, अपने घर वालों को भी बताया है। 3186 जो एमएलसी नंबर है उसका, घर वालों ने FIR दर्ज कराई है। लेकिन हम चाहते हैं जल्द से जल्द गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन ले, जल्द से जल्द उनको कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे और उस सीडीपीओ को और उस सुपरवाइजर को अरेस्ट करे।